वेलकम बैक टू दिस सनम। मेरा नाम चेतन जांगिड़। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी बोलेरो के डीजल पंप के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको कल बताया था कि मैं डीजल पंप की एक वीडियो ज़रूर आएगी, इसके अंदर वो बताऊंगा आपको कि डीजल पंप कैसे क्या वर्क करता है और हमने किस प्रकार से नया डलवाया था, क्या कैसे क्या प्रॉब्लम आई थी, हमें कैसे क्या इशू देखने के लिए मिले थे हमें। वैसे तो डीजल पंप ख़राब होने से हमें गाड़ी के अंदर बहुत से खर्चे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, हमें बहुत से नुकसान भी करा देता है अपना डीजल पंप, जो कि डीजल के ख़राब होने से हमें डीजल पंप चेंज करवाना पड़ता है। मेन कारण तो इसका ये है, जैसे कि अपन अपनी बोलेरो का डीजल अपन किसी भी गाड़ी के अंदर व्हीकल के अंदर डीजल ख़राब डलवा देंगे तो उसके अंदर मतलब केरोसिन टाइप में मिला हुआ आएगा, जो कि केरोसिन थोड़ा मोटा या बारीक होगा। देखो कोई ना हर मतलब लिक्विड मतलब पतला बारीक होता है, जैसे कि डीजल थोड़ा मोटा होगा तो या केरोसिन थोड़ा पतला होगा, जैसे मिक्सअप में आ जाएंगे तो दोनों के मतलब वो इंजेक्टर को ऐसे इशू करेगा डीजल पंप, उसको जितना मोटा आ जाएगा तो मतलब उठा नहीं पाएगा, उसको खींच नहीं पाएगा, मतलब वो पानी की मोटर की तरह ही तो होता है जो पानी को जैसे डीप मोटर तक पहुँचाता है। जैसे कि इसके अंदर डीजल पंप रहता है जो कि इसके डीजल टैंक के अंदर लगा हुआ रहता है ऊपर से। अगर अपनी गाड़ी के अंदर डीजल मतलब ट्रकों वाला डलवा दिया या फिर दूसरा डलवा दिया तो अपनी गाड़ी में ख़राबी आ सकती है। वो डीजल पंप मैं बताता हूँ, देखो कैसा रहेगा। हमने भी हमारी बोलेरो के अंदर चेंज करवाया था, मैं कहीं से ढूंढ के लाया था इसको, ढूंढ के क्या हमारी घर के अंदर चेंज करवाया, इसकी कंपनी से आया हुआ था ये वाला, कंपनी से डला हुआ था ये वाला डीजल पंप। मैं बताऊँगा आपको, यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक डीजल पंप जो कि इसका 8000 का आता है। यह डीजल पंप है इसका जो कि 8000 का आता है, जो कि डीजल के अंदर ऐसा लगा हुआ रहता है मतलब ऐसा इस टाइप में। यह क्या है, फ्लेक्सिबल भी आता है, जैसे किसी गाड़ी के अंदर थोड़ा मतलब स्कॉर्पियो के अंदर या दूसरी और कोई गाड़ी रहती है उसके अंदर डीजल कैपेसिटी के अंदर थोड़ी कम या ज़्यादा रहती है डीजल कैपेसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब यूनिवर्सल है, मतलब महिंद्रा के अंदर ही है, जैसे महिंद्रा थार हुई या और कोई सी गाड़ी हुई, जैसे उसके अंदर डीजल टैंक थोड़ा बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, मतलब ये लगा रहेगा इसके अंदर, जैसे कम हुआ तो ये आराम से पुश हो जाएगा अंदर की तरफ, ऐसे भी वर्क करता है ये। और इसके अंदर एक मोटर लग, दो मोटर है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ये रही जो कि डीजल पंप को वर्क करवाती है। ये कंपनी का ही है हमारे, ये पता नहीं यार खुल के आ गए, रुको, ये इसके अंदर लगे हुए थे, ऐसे लगा देते हैं यार, जो कि मतलब इसको स्थिर बनाए रखते हैं नीचे की तरफ। इसको भी निकाल के वापस लगा देता हूँ, जो कि इसको अपनी गाड़ी के अंदर स्थिर बनाए रखते हैं और सही रखते हैं, मतलब या किसी को भी चाहिए हो तो बता देना, कमेंट में कर देना। उन्होंने ऐसे बोला था कि रिपेयर तो हो नहीं सकता, वैसे कोई रिपेयर हो ही जाए तो पता नहीं क्या ही है, क्या ही कहना। इसके तीन जो कि डीजल इसके अंदर से तो आएगा डीजल, ये वाले डीजल की है, इसके अंदर से आएगा डीजल, ये ऐसे कुछ है। इसके अंदर तीन दे रखे हैं जो कि इसको वर्क करवाता है, इसका प्लग दे रखा है, ये अपनी गाड़ी के अंदर ख़राब हो जाता है तो अपने को और भी नुकसान करवा सकता है, जैसे हुआ कि इंजेक्टर जैसे को ख़राब कर दे। इसके ख़राब होने से हमें 8000 का तो ये डला था और 17000 के इंजेक्टर से हुए थे, ऐसे कुछ खर्चा देखने के लिए मिला था हमें, जो कि डीजल ख़राब आने से था। डीजल ख़राब आने से मतलब 10000 का तो डीजल वो घर डलवाए थे हमने, क्या बोलते 10000 का, तो क्या 4000 का डीजल टंकी फुल करवाए थे इसकी टंकी, जो कि उसके बाद में हमें ये इशू आया था, वो पेट्रोल पंप वाले ने हमें डीजल ही ख़राब डाल दिया था बोलेरो के अंदर, जो कि हमें अरे यार फ़ौरन बहुत बताते हैं यार ट्रक वाले, जो कि हमें इशू देखने के लिए मिला था इसके अंदर। भाई अपनी गाड़ी के अंदर डीजल सिक्योर पेट्रोल पंप से डलवाए और मतलब जो कि सही डालता हो डीजल, एक बार डलवा के देख लेना गाड़ी के एवरेज से ही पता चल जाता है कि डीजल सही है या नहीं, पिकअप से इनसे पता चल जाता है, एक बार डलवा के चेक कर लेना, जिसमें मेनली ज़्यादा गाड़ी आती है उसी पे डलवाना, एक बार चेक करके डीजल की डेंसिटी चेक करके ही डलवाना, बाकायदा डेंसिटी लिखी हुई रहती है उसके अंदर,
डीजल पेट्रोल पंप पर कि कितनी क्या डेंसिटी है, अगर ख़राब हो तो मत डलवाना। इससे हमें बहुत सा नुकसान भी हो सकता है, जैसे अपनी वीडियो तो नो कट आती ही रहती है विदाउट एडिटिंग के, मतलब थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है और कुछ भी नहीं होती। और इसके अंदर इससे के ख़राब होने से, मतलब ये इसके मैं बताऊँ, ये इसे वर्क करता है, देखो ये डीजल पंप है, इसके थ्रू है ना ये पाइप आ रहे हैं ना तीनों, ये उस लाइनिंग में से आते पीछे से आते इस वाले डीजल पंप, ये आते हैं डीजल पंप, आगे देखा डीजल पंप, ये है इसका डीजल पंप इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है इसके, वो डीजल टैंक का डीजल पंप है, और ये इसके पंप नहीं मारते कि अपन ट्रैक्टर में, ये ऐसे ट्रैक्टर के अंदर, ये रहा पंप ट्रैक्टर के अंदर, बताता हूँ देखो आपको, ट्रैक्टर के अंदर है वो, मतलब खोल के पुश करके ऊपर करके दबाने का रहता है, देखो ये रहा, ये वाला नीचे खुलेगा, इसमें मैनुअली होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक है ये वाला सिस्टम, ये ट्रैक्टर का, इसके अंदर बहुत का डीजल पंप आता है जो कि मैनुअली होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है, इसके अंदर इन और आउट की, ये तो इसका इन है, ये इसका आउट है, आउटपुट है, ऐसा है, ऐसे कुछ है इसका डीजल पंप, जो कि ये इससे होते हुए फिर इंजेक्टरों में जाता है डीजल, इंजेक्टर मतलब ये है ना इसका आउट है, जो कि ये तो इसका इन हो गया, ये इसका आउट हो गया, जो कि डीजल पंप इधर इंजेक्टरों में जाता है, इसके थ्रू, ये रहा, इसके थ्रू इंजेक्टरों के अंदर जाता है, जो कि इंजेक्टर को वर्क करवाता है, ये इसके अंदर माइंड रहता है, इसी जो क्या बोलते हैं उसे, है ना, जो कि जैसे कि इनको बताता है, ऑर्डर देता है कि मतलब इतने सेकंड तक इसको खोलना है, इतने प्रेशर पे खोलना है, इतने फुहार मतलब ऐसे आती है ना उसकी तरह वर्क करेगा, पहले 1 2 3 पहले ये वाला, पहले दो को एक साथ देगा, फिर दो को एक साथ देगा, ऐसे वर्क करते हैं पहले, ये 2 3 ऐसे कुछ रहता है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ वर्क करता है ये इसका सिस्टम, जो काम हो रहा है यार, थोड़ा टॉपिक को हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं यार अपने, देखो ट्रैक्टर में शेड लग गया आज, ऊपर की बॉर्डर है वाइट में दिख रही है ना आपको, वो बस साइड वाली बॉर्डर हो रह गई, और वो भी अंडर वर्क है, कल लग जाएगी वो भी, फिर कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा वो भी आपको बीच के अंदर। चलो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं अपन वापस, जो कि इसको ख़राब कर देता है, इसको ख़राब, इसके भी इंजेक्टर के अंदर ऐसे कुछ पीस आते हैं, वो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा यार, सारे इसी के अंदर दे दूँगा, तो फिर कल के लिए क्या बचेगा अपने लिए, वो कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, जो कि इसके इंजेक्टर को ख़राब कर देता है। एक बार इसको इंजेक्टरों को, मतलब ये बताऊँ कैसे लीक हुआ था मैं हमारे, ये बाहर आने लग गया था, मतलब डीजल ही इन इंजेक्टरों के, इसका इससे हमें पता चल जाएगा, इंजेक्टर और पिकअप में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया था, कि पिकअप नहीं ले पा रही थी, मतलब 2 3 बार सेल्फ लगाते रहो, मतलब ऐसे कुछ करते रहो, स्टार्ट नहीं होती थी, कभी कभी होती नहीं थी स्टार्ट, ऐसे ही कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और हमें एक्सेलेटर दबा के दे दो, ना ही टॉर्क मिलता गाड़ी के अंदर, बंद हो जाती गाड़ी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिली थी, फेस हुई थी हमें। और इसका डीजल पंप, जो कि ये डीजल हमने बोलेरो के अंदर ख़राब डीजल पेट्रोल पंप का, यार किसी को क्या पता, एक बार चेक कर लेना चाहिए, मैं भी उसके बाद में पता चला था, हम देख के ही डलवाते हैं अब डीजल, ये 8,000 का खामा का नुकसान हो गया इसका, अब इसको ये तो चेंज करवा दिया, 8,000 का था इतना सही महिंद्रा का ओरिजिनल, इस डब्बे प्राइस भी लिखी रही होगी, मैं बताऊँ देखो आपको, 9,333 पार्ट नंबर, ये है टैंक मॉड्यूल S3 बोलेरो LCR, जैसे कुछ है, ये 2020 के अंदर नहीं 2021 के अंदर डलवाया था, ये 2021 के अंदर डलवाया था, ये QR कोड भी आप स्कैन करके चेक कर सकते हो, महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट है। इसको चेंज करने से मतलब हमें फ़ायदा भी हुआ, मतलब डीजल, मतलब इसका टॉर्क भी बढ़ गया, इंजन एफिशिएंसी भी बढ़ गई, पहले ख़राब डीजल ही जा रहा था इसके अंदर, और मतलब प्रेशर भी ठीक नहीं था, बिल्कुल कम लो प्रेशर आने लग गया था इसके अंदर, जिसके कारण ये वर्क नहीं कर रहा था ठीक से। अब क्या है, बड़ा इक्वल प्रेशर आ रहा है, जो इक्वल ट्रांस मतलब समय जा रहा है, इक्वली जा रहा है सारे इंजेक्टरों के अंदर, और टाइम टू टाइम जा रहा है, और इससे क्या है, टॉर्क भी बढ़ जाता है, इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है,
और माइलेज भी बढ़िया देने लग जाती है अपनी गाड़ी। बस आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।